जम्मू में स्थित माँ वैष्णो का पावन धाम तो विश्व प्रसिद्ध है, जहाँ माता वैष्णो देवी के स्वयंभू तीन मूर्तियाँ हैं, जिनमें माँ काली, सरस्वती और लक्ष्मी विराजमान हैं। इन तीनों पिंडियों के सम्मिलित रूप को वैष्णो देवी माता कहा जाता है। ठीक इसी तरह का एक मंदिर सतना के केंद्रीय जेल में कैदियों द्वारा बनाया गया है, जिसे देखने के बाद लगता है जैसे हम सतना नहीं बल्कि माँ वैष्णो के पावन धाम जम्मू कश्मीर में हैं। मंदिर का स्वरूप माँ वैष्णो के पावन धाम के स्वरूप के जैसा ही बनाया है, जिसमें गुफा के द्वारा मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश किया जाता है। मंदिर के पुजारी मुनिन्द्र गौतम ने बताया कि जेल के अंदर ही माता वैष्णो की स्वयंभू तीनों पिंडियाँ मिली थी, जिन्हें तात्कालिक जेल अधीक्षक उमेश गांधी और उनकी पत्नी ने शारदीय नवरात्रि में विधि विधान से स्थापित किया और इनके मंदिर निर्माण को लेकर कार्य योजना बनाई, जिसके बाद यह सुनिश्चित किया गया कि माँ वैष्णो का मंदिर जम्मू कश्मीर पर स्थित माँ वैष्णो के मंदिर की तर्ज पर ही बनाया जाएगा, जिसके बाद कार्य योजना शुरू की गई। माँ वैष्णो के इस अद्भुत मंदिर का निर्माण कार्य जेल के कैदियों द्वारा किया गया है, जिसमें मंदिर की ड्राइंग, डिजाइन, कंक्रीट वर्क, फिनिशिंग, कलर सहित मंदिर के चारों ओर की बाउंड्री वॉल पर संपूर्ण रामायण का चित्रण किया गया है, जो कैदियों द्वारा ही किया गया है। जी, मेरा नाम मुनिन्द्र गौतम है, मैं रहने वाला हूँ बरही अमरपुर का। इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था और इसके पीछे क्या मान्यताएँ हैं? मान्यताएँ हैं कि जेल के अंदर थी, यहाँ पीठ रखवा गया माननीय अध्यक्ष उमेश गांधी, वरिष्ठ अधीक्षक हमारे जेल सतना के, उनके द्वारा स्थापित किया गया और पूरा कार्यकाल हमारे कैदियों ने ही करवाया है। इसको हमारे पूरे मजदूर भाई कैदी लोग ने ही काम किया है, पत्थर ने पूरा जुड़वाया, उन्होंने जुड़वाया गया है। अब बाकी इनके कार्यकर्ता समस्त व्यापारी और हमारे जेल स्टाफ के ही थे।